Such a joy for us to be with you once again. बहुत ही आनंद का समय है कि एक और बार आपके साथ हम हैं। We are meditating on the book of Hebrews. हम इब्रानियों के पत्री में मनन कर रहे हैं। And we believe you've been enjoying it so far. हम विश्वास करते हैं अब तक आप बहुत ही प्रसन्न हैं इससे। We have missed any of the program. अगर आप कोई भी प्रोग्राम को या कार्यक्रम को आप खोए हैं तो We will soon be putting it on our website and you can download it and you can hear it again and again. हम बहुत ही जल्दी उसको वेबसाइट में डालेंगे, आप उसे डाउनलोड कर ले और फिर से उसको दोबारा सुन सकते okay. हैं। Now we are going into Hebrews chapter 5. और इब्रानियों के पत्रों के पांचवे अध्याय में हम जा रहे हैं। For every high priest taken from among men is ordained for men in things pertaining to God that he may offer both gifts and sacrifices for sin. क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे. So that is why a high priest was chosen. इसीलिए महायाजक को चुना गया था. Things pertaining to God, offering for sins, and thank offering and peace offering to be offered to God. और परमेश्वर के संबंध में चुना गया था जो पाप और भेंट और शांति का भेंट चढ़ाया जाए परमेश्वर को. Who can have compassion on the ignorant and on them that are out of the way, for that he himself also is compassed about with infirmity. और वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है इसलिए कि वह आप भी निर्बलता में घिरा हुआ है. They were human beings, Aaron and his sons. वे सभी मनुष्य जाति थे, हारून और उसके पुत्र. The Levitical line of priesthood. और जो याचकों का जो लेवी गोत्र की ओर से थी. Themselves had infirmity. वो अपने में ही घिरे हुए थे. And they, some of them who were ignorant and some of them who willfully disobeyed the Lord. People were kept as priests to offer for sins and for gifts that they bring to the Lord as a sacrifice to the Lord. उनमें से कुछ लोग अज्ञान से थे और कुछ भूले भटके में अवस्थे में थे और उन्हीं को ठहराया गया था परमेश्वर के लिए वो बलि को चढ़ाया करे जो भेंट और पाप बलि के तौर पर परमेश्वर को ठहराया गया था. The next verse tells us that he is to offer sins for himself first and then for the sins of the people. अगला आयत कहती है कि वो सबसे पहले अपने लिए बलि को चढ़ाता था उसके बाद अन्य लोगों के लिए वो बलि को चढ़ाया करता था. By reason hereof he ought, as for the people, so also for himself to offer for sins. इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के विषय में वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे. And no man taketh this honor unto himself, but he that is called of God, as was Aaron. यह आदर का पद कोई अपने आप में नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए. Because Aaron was called, क्योंकि हारून ठहराया गया था. And he became high priest, और वो महायाजक बन गया. Unless he was called, he could not have been high priest. जब तक उसे बुलाया नहीं गया तब तक वो महायाजक नहीं बन सकता. He could not go before God for the sins of himself and for the sins of the other Israelites. वो परमेश्वर के सम्मुख में नहीं जा सकता अपने पापों के लिए और अन्य इसराइलियों के पापों के लिए परमेश्वर के सम्मुख में. We are called.
और आज हम बुलाए गए हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, You have not chosen me, आपने मुझे नहीं चुना है, I have chosen you, मगर मैंने तुझे चुना है, and I have ordained you, और मैंने आपको स्थापित किया that है, you would go and bear fruit. और आप जाकर फलवंत That's होने in John chapter 15. और वो यहोन्ना उसके 15वें अध्याय में कहती If you have come to Jesus, अगर आप यीशु के पास आए हैं तो you have received Jesus as Lord and Savior, अगर यीशु को ग्रहण किए हैं उद्धारकर्ता के तौर पर अपने जीवन में He has chosen you to follow him. क्योंकि उसने आपको चुना है कि आप उसका अनुकरण so let's see करें the next verse. अगले आयत को हम देखें So also Christ glorified not himself to be made an high priest. वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप में नहीं की है But he that said unto him, Thou art my son, today have I begotten thee. उसको उसने उसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है आज ही मैंने तुझे उत्पन्न किया है। See, when Jesus died and rose again, देखे कि जिस दिन यीशु मरा और फिर से जी उठा, became the head of the new race, और एक नई पीढ़ी का मुख्यता के तौर पर वो बन गया He came as the last Adam. वो आखिरी आदम के तौर पर आया। Today he is the head of this new race who are born again and who are led by the Spirit to follow after Jesus. और आज उसकी अगुवे के तौर पर वो ठहर गया है जो यीशु के अनुसार चलते हैं और उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त किए हैं। Every born again believer is a new species. और हर एक नया जन्म लिया हुआ व्यक्ति एक नई प्राणी के तौर पर है। That means everyone who is washed in the blood of Jesus. उसका मतलब जो कोई यीशु के लहू से धोए गए हैं और जो कोई स्वीकार किए हैं यीशु को प्रभु के तौर पर अपने पापों को अंगीकार करने के बाद विश्वास करने के बाद कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है उनके पापों के लिए मरा है He's alive for us today. और वो आज भी जीवित है उनके लिए Therefore, they could receive him into their heart. इसीलिए वो अपने हृदय में उसको ग्रहण करने पाए वैसा एक व्यक्ति नया जन्म को प्राप्त किया है Of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के द्वारा नए जन्म को पाए हैं। And that's what he's saying. When Jesus rose from the dead. और वही कहता है कि जब यीशु ने मुर्दों में से जी उठा। Christ did not glorify himself. मसीह अपने आप में महिमा को नहीं किया। God glorified him. और परमेश्वर ने उसका आदर और सम्मान किया। Today, you are my begotten son. और वो कहता है कि आज तू मेरा प्रिय पुत्र है। You are the firstborn of the new race. और उस नई पीढ़ी की पहलौठे के तौर पर आप ही पहले And हैं। God the Father, gave him a higher name than any other name. और पिता परमेश्वर ने एक ऐसा नाम को दिया जो सभी नामों से ऊंचा नाम। Chose him to be the high priest. और चुना गया महायाजक के तौर पर। He chose him to his begotten son. अपने प्रिय पुत्र को चुनकर उसने अलग किया है। And as he said also in another place. Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है कि तू मलकीसदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है. See, Jesus did not come in the Levitical priesthood. यीशु कभी भी लेवी के गोत्र में याजक के तौर पर नहीं आया. He came from the tribe of Judah. और वो यहूदा के गोत्र से आता है। So that's why he's saying he came in the order of Melchizedek. इसलिए वो कहता है कि मलकीसदेक के रीति में वो आया। Because Melchizedek was a priest of Jerusalem and he is the peace maker. और वो यरूशलेम का एक महायाजक था जो शांति का दाता के तौर पर कहा जाता है। Jesus came in the order of Melchizedek to be a priest forever. और यीशु मसीह मलकीसदेक के रीति पर एक याजक के तौर पर आया जो सदा काल के लिए See, है। From the time Jesus rose again from the dead, जिस समय से यीशु मुर्दों में से जी उठा had already prophesied और इस प्रकार नबूवत की गई that थी पहले the temple से would be destroyed, कि वो मंदिर को नाश किया जाएगा place where the sacrifices would take place, और जहां पर बलिदान का वो स्थान था where the किया high priest would go into the holiest of holies once a year. जहां पर महायाजक साल में एक बार जो अति पवित्र स्थान में प्रवेश करता है, for himself, his sins, and for the sins of the nation, he would take an offering into the very presence of the holy God. और जहां पर वो अपने लिए और अन्य लोगों के लिए पाप का बलि को चढ़ाएगा, जिस जगह में जहां पर पवित्र परमेश्वर ठहराया जाता है। From the time Jesus rose from the dead, जिस समय से यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, 70 AD when the whole temple was destroyed, 70 AD में जब पूरी मंदिर को नाश कर दिया गया था, Jesus said not even one stone will be left over another of this temple. यीशु ने कहा था कि इस मंदिर का एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर कभी भी नहीं ठहरेगा। Unbelievable for the Jews that their temple would be destroyed like this. यहूदियों के लिए वो अविश्वास की एक बात थी कि किसी भी तरह उस प्रकार वो मंदिर नाश But नहीं होगा। The Lord said,
all of us who know the Lord, will worship Him in truth and in spirit and not in a temple. मगर यीशु ने कहा कि इस प्रकार जो कोई उस प्रभु को जानता है, उस मंदिर पर नहीं, मगर आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करेगा। There will be no more sacrifices. और आगे कभी भी बलिदान नहीं होगी। For nearly 2,000 years, there have been no sacrifices. और 2,000 सालों से कभी भी उस प्रकार का बलिदान नहीं किया गया है। From the time Jesus had prophesied and that prophecy has come to pass, you know, the Jews have not sacrificed. और वो यीशु मसीह जिस प्रकार नबूवत किया उस समय से लेकर और उस समय से लेकर कभी भी इसराइली उस प्रकार बलिदान नहीं किए। Jesus is a priest forever after the order of Melchizedek. और आज यीशु मसीह मलकीसदेक के रीति से सदा के लिए एक याजक के तौर पर ठहर गया है। सातवां पद कहता है, Who in the days of his flesh, यीशु अपने देह में इस प्रकार, When he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, और ऊंचे शब्द से पुकार कर इस प्रकार आंसू बहा बहा कर उसको अपने मृत्यु से नहीं बचा सकता था, And was heard because he feared. और उनको सुना गया था क्योंकि उस भय के कारण, Though he were a son, यहाँ तक कि वो पुत्र था, Yet learned he obedience by the things which he suffered. फिर भी दुख उठाकर अपनी आज्ञा को माननी सीखी। So what we see from here? वहाँ से हम क्या देखते हैं? See how Jesus prayed. देखिए किस प्रकार यीशु ने प्रार्थना की। Strong crying and supplication. और वहाँ पर ऐसे चिल्लाते हुए आंसू के साथ वो प्रार्थना और विनती करता है। Cried with tears. और रोता है आंसुओं के साथ। Cried unto the Father who was able to save him from death. वो पिता से प्रार्थना करता है जो मृत्यु से उसको बचा सकता था। Jesus was heard. और यीशु ने सुना था उन बातों को। That's why he rose again from the dead. इसीलिए वो मुर्दों में से फिर से जी उठा। And he's saying, through what all he suffered, जिन किसी पीड़ाओं से उसने सहा है, he suffered more than any other human being on the face of the earth. इस पृथ्वी के ऊपर और मनुष्यों से ज्यादा जिस प्रकार सहा है उसने अपनी पीड़ाओं से, he learned obedience through his suffering. और वो कहता है कि उन पीड़ाओं से उसने आज्ञा को सीखा है। जब हम उन पीड़ाओं को सहते हैं, worst of us comes out. और हम में से जो सबसे बुरा होता है वो बाहर आती है। Even those who are near death experience. और यहाँ तक कि जो मृत्यु के करीब है वो भी अनुभव करते हैं। Suffering, they say, Lord, help me to die. I want to die right now. वो कहते हैं कि प्रभु तू मेरी सहायता कर अभी कि मैं मर जाऊँ। Some of them cry out for mercy even from their deathbed. और यहाँ तक कि मृत्यु के उस बिस्तर से कई लोग उस दया के लिए प्रार्थना करते हैं। So badly when they're going through suffering. उन तकलीफों से जब लोग जाते हैं कई लोग अपने आप को श्राप भी देते हैं। Jesus, when he suffered, he did not open his mouth. मगर यीशु जब पीड़ाओं से गया अपने मुंह को नहीं खोला। All he did was he forgave those who crucified him. केवल यही किया जो कोई उसको क्रूस पर चढ़ाए उसको माफ किया। The Bible tells us clearly, bless and do not curse. और इसीलिए बाइबल कहती है कि आशीष दे ना श्राप दे। You want to inherit a blessing, you need to bless and not curse. हम उस आशीषों को अगर हमें प्राप्त करना है हम आशीष करें ना श्राप करें किसी को। So when Jesus suffered, और जब यीशु उन पीड़ाओं से गया obedience. और उसने सीखा आज्ञा को, He obeyed the Father even though it was so difficult. बहुत मुश्किल होने के बावजूद हम देखते हैं पिता की आज्ञा What का पालन was the किया। most difficult thing for Jesus? सबसे मुश्किल काम क्या था यीशु मसीह के लिए? I believe it was not even that he was becoming a sin offering to God. मैं विश्वास करता हूँ कि न केवल एक पाप बलि बनना वो थी उसके लिए। It was लिए। not only becoming a curse and sickness on the cross. न केवल क्रूस पर एक श्राप और बीमार अवस्था में होना। He took up poverty on the cross. उसने क्रूस पर उस कंगाल और श्राप को ले लिया। But what really broke his heart? और जो कुछ उसके हृदय को तोड़ा है वो ये है। That he was separated from his father. कि पिता से उसे अलग कर दिया गया। This was the most difficult thing for Jesus. अब मैं विश्वास करता हूँ सबसे कठिन बात वही थी यीशु के लिए। That's why he had prayed. इसीलिए उसने प्रार्थना किया। Father, if it is possible. पिता अगर होता है तो Please take this cup away from कृपया इस कटोरे को मुझसे दूर What कर was in that cup? और क्या था उस कटोरे में The greatest suffering for Jesus. सबसे बड़ी पीड़ा जो यीशु के लिए थी That caused him to break his heart. और उसके कारण उसका हृदय टूट गया Because when they pierced him with a sword, और जब उसको उस भाले से भोका his गया heart was so broken that blood and water flowed out. उसके हृदय को भोका गया था जहाँ से लहू और पानी हम बहते हुए देखते हैं and that shows he died of a broken heart. और वो दिखाता है कि वो हृदय टूटा हुआ मरा था यीशु ने and the reason was he was separated from his loving father. और कारण यही थी कि अपने पिता जो प्रेमी था उससे वो अलग कर दिया गया था Jesus had become sin. यीशु पाप बन चुका था God is always separated from sinners.
और हर एक वक्त परमेश्वर पापियों से अलग किया जाता है और यहाँ तक कर पाप बलि बन गया उसने। That is why God had to separate from himself. इसीलिए पिता परमेश्वर को अपने आप को उससे अलग करना पड़ा। At the time he suffered, yet he learned obedience. और उन पीड़ाओं के बीच में भी उसने आज्ञा को सीखा। And verse 9 is so important. और नौवां पद बहुत ही विख्यात है। And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल का उद्धार का कारण हो गया और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला था। So, brothers already read verse 10, but what I want to highlight here is he was made perfect. जो मैं दिखाना चाहता हूँ ये है कि यीशु मसीह को सिद्ध बनाया गया था उस जगह पर। Savior is a perfectionist. और उद्धारकर्ता जो एक सिद्ध के तौर पर हम देखते हैं। He's the only one who's perfect. और वही केवल है जो सिद्ध है। And he became the author of eternal salvation. और वहाँ पर हम देखते हैं सदाकाल का उद्धार का कारण वही ठहर गया। So if you have received Jesus as your salvation, अगर यीशु को उद्धारकर्ता के तौर पर ग्रहण किया है तो, he is your eternal salvation. और वो सदाकाल का उद्धार है वो आपके लिए। Not till you commit the next sin. उस समय तक के लिए नहीं कि जब आप पाप करेंगे अगली बार। You are eternally saved through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा सदाकाल के लिए आपका उद्धार किया गया है। You are not a habitual sinner anymore. अब आगे से लगातार एक पापी स्वभाव के नहीं है आप। The righteous will fall 7 times, but they will rise again. 7 बार धर्मी गिरेगा, फिर भी वो खड़ा होगा। Because Jesus is your savior. क्योंकि यीशु आपका उद्धार करता है। You have received eternal salvation. यीशु मसीह के द्वारा आप सदा का उद्धार को पाए हैं। And unto all those that obey him. Now, this is so important. और जो कोई उसकी आज्ञा को मानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। Heart has to be open to say, Lord, speak to me. I want to obey you. आप अपने हृदय को खोलकर इस प्रकार कहें, प्रभु तू मुझसे बातें कर। Bible, जब हम बाइबल को खोलते हैं, God speaks to us through this word. और प्रभु हमें इस वचन के द्वारा बातें करता है। He impresses on your heart, और जो कुछ आपके हृदय में प्रभाव डालती है, you and I should be ready to obey him. और हम तैयार रहें उसी आज्ञा मानने के लिए। When we have that desire, जब हमारे अंदर में वो इच्छा होती है, Holy Spirit will lead us to obey the Lord. पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करती है उस आज्ञा को पालन करने में। If you are an obedient person, अगर आप आज्ञा का पालन करने वाले व्यक्ति हैं, you will obey because you love the Lord. आप प्रभु से प्रेम करते हैं इसलिए आज्ञा को मानेंगे। Those who love the Lord will obey him. जो कोई प्रभु को प्रेम करते हैं वो सभी उसकी आज्ञा को मानेंगे। If you have met with the Lord in your spirit man, you will surely love him. और आत्मा में अगर प्रभु से आप मिले हैं तो जरूर उस आज्ञा को पालन करेंगे। Because he is so lovely. क्योंकि वो बहुत ही प्रेमी है। Nobody who's done what Jesus has done for you. और कोई भी ऐसा नहीं है जितना यीशु मसीह आपके लिए। You know about it, जितना आप उसके बारे में जानेंगे, more you will love him. और ज्यादा आप उससे प्रेम करेंगे। We see here who Jesus is again. और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु कौन है फिर से एक बार। Verse 10 says, 10वां पद कहती है, called of God. और परमेश्वर की ओर से बुलाया गया। It's like Aaron and Moses were called by God. और जिस प्रकार हारून और मूसा को बुलाया गया था परमेश्वर की ओर से। Moses was called to deliver the children of Israel from the hand of Pharaoh. और मूसा को बुलाया गया था इसराइलियों को फिरौन के हाथ से छुड़ाने के लिए उस दासवत की अवस्था से। Aaron was called as the high priest of the whole nation of Israel. और हारून को बुलाया गया था पूरे इसराइल राज्य की महायाजक के तौर पर। God called Jesus high priest. और यहाँ पर कहती है परमेश्वर ने बुलाया यीशु मसीह को महायाजक के तौर पर। God sent Jesus as apostle to the whole world. और परमेश्वर ने छोड़ा यीशु को एक प्रेरित के तौर पर पूरे जगत की ओर। God is calling Jesus as high priest. और पिता परमेश्वर पुकारता है यीशु मसीह को महायाजक के तौर पर। And God only made Jesus's name higher than any other name. और परमेश्वर ने ही उस यीशु का नाम सभी नामों से ऊंचा किया। King of kings and Lord of lords. और उसे कहा गया राजाओं का राजा और प्रभुओं के प्रभु के तौर पर। High priest and king. वो प्रेरित है, महायाजक है और राजा भी है। You and I must know him in these three offices. और हम आपस में जानने पाए इन तीनों बातों में यीशु कौन है। By God to reveal the Father's love for each one of us. पिता की ओर से छोड़ा गया था इस जगत में उस पिता के प्रेम को हम पर प्रकट करने के लिए। He is the high priest of our confession. So when we confess the word, he will bring it to pass in your life. और जब हम कबूल करते हैं, वो हमारे लिए उन बातों को पूरा करता है जो उस प्रकार कहा गया। He is king and every king desires his subjects to obey him. और वो राजा है, हर एक राजा चाहते हैं सभी उसके अधीन में होने पाए। This is not a king who stands with a rod to punish you. वो एक राजा नहीं कि एक डंडी के साथ किसी को दंड देने के लिए। But this is a king who took your punishment on himself.
मगर ये राजा आपके ऊपर के दंड को अपने ऊपर में लिया। And now he says, do you love me and do you want to follow me? और वो आज कहता है, क्या आप मुझसे प्रेम करते हो, मेरा अनुकरण करोगे क्या? Because if you and I don't follow Jesus, जब हम उसके अनुकरण को नहीं करते, we will not have a good life. उसके अंदर में एक अच्छा जीवन नहीं होगा। We will not have a peaceful life. हमारे अंदर में एक शांति का जीवन Remember नहीं होगा। Remember what he said in John 10:10. याद करें यूहन्ना 10:10 में क्या कहा उसने? The thief has come to steal, kill and destroy. वो चोर आया चुराने और लूटने के लिए, मगर मैंने आया आपको जीवन देने के लिए, have to give you life and life more abundantly. और उस जीवन को देने के लिए जो समृद्धि का जीवन है, you and I can have a full life, a life overflowing with the goodness of God. आपके और मेरे अंदर में वो जीवन होगा जो उमड़ने वाले जीवन so, जो उसने you दिया। bow to him as king, जब तक आप झुकते नहीं उसके सामने राजा के तौर पर, not know how good he is. आप नहीं जानेंगे वो कितना भला है। I've heard of the Abu Dhabi king. हम मैंने सुना है अबू धाबी राजा के बारे में। You know, he calls all his subjects and he makes and he hears them out, their problems and tries to solve their problems. वो अपने अधीनों को पुकारता है, उनके समस्याओं को सुनता है और उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करता है। There are days on which he meets with the people. और ऐसे दिन होता है अपने लोगों से वो मिलता है, अपने जो नागरिक वहाँ पर हैं। And he is so lavish with his gifts. और हम देखते हैं कि बहुत ही अच्छे तोहफे को देता है उनके लिए। Whatever he can do, he will do for those whom he loves. जो कुछ वो कर सकता है वो करता है, जिस किसी से वो प्रेम करता है। For the citizens of Abu Dhabi. और अबू धाबी के नागरिक के लिए। How much more our King of Kings. उससे कितना ज्यादा होगा हमारा राजा जो राजाओं का राजा है। You and I can bow down to his will. केवल उसके इच्छे के सामने आप और मैं सिर झुकाने पाएं। Lord, I want to obey you. और कहें, प्रभु मैं तेरी आज्ञा का पालन करना चाहता हूं। My life and mind will become so easy and so beautiful. और तेरी इच्छा मेरे जीवन में बहुत ही खूबसूरत और अच्छा ठहरेगा। My yoke is easy and my burden is light. और उसने कहा, मेरा जुआ बहुत ही हल्का है और बोझ नहीं दबोगे। 11वां पद कहता है, Of whom we have many things to say and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहने को है, जिनकी समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचे सुनने लगे हो। In the book of Hebrews, we are trying to establish Jesus as God. हम इब्रानियों के पत्री में आपको समझाना चाहते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है। जब आप जानेंगे यीशु परमेश्वर है, he has different offices. और उनके अलग अलग स्थानों को, so your desire must be, Lord, I want to know you more. आपका इच्छा यह होना चाहिए, प्रभु मैं और तुझे जानने पाऊं। Lord, I want to obey you more because I love you. प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, इसलिए और तुझे जानना चाहता हूं so जीवन में। time is up. हमारा समय आगे निकल चुका we है going to close now. हम यहां पर समाप्त करना चाहते With हैं a word of prayer. एक प्रार्थना के साथ। To continue again with us next time. और अगले समय हम फिर से आपसे so मिलेंगे। Now we're going to pray. आइए हम प्रार्थना में जाएं। We're going to pray for all those who are in depression. और जो निरुत्साहना में हैं, उन सभी के लिए हम प्रार्थना so many करेंगे। Ladies who are suffering without children. और कई ऐसे बहनें हैं जिनको संतान so many नहीं others है। Who are suffering without marriage. और कई ऐसे हैं जिनका विवाह अब तक नहीं हुआ है। There are so many others who are depressed because they have no jobs. और कई ऐसे हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, उनके Some of them are depressed because they are in debt. कई ऐसे निरुत्साहना में हैं क्योंकि वो कर्ज के साथ Some others are sick and so they are depressed. और कुछ लोग ऐसे हैं जो बीमार की अवस्था में हैं। Every one of them is brought by the devil. हर एक चीज उस शैतान की ओर से लाया गया है। You need to know who your father is. आप जानने पाए कि आपका पिता and you कौन need to है know what he's provided for you. और आप जानने पाए कि आपके लिए वो क्या किया yes, है and as we obey the word, और जिस प्रकार उस वचन को हम do मानते what हैं it says, और जो कुछ कहता है उसे करें you will receive answers to prayer. आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर so वो देगा even if you're having a bad time, अगर फिर भी आपके एक बुरा समय है learn तो to rejoice that Jesus has come into your life. उस समय में भी आप आनंदित रहें कि यीशु मेरे जीवन में आया। अगर आप अपने जीवन को कभी नहीं दिए यीशु को, आज वो दिन है। Give your heart to Jesus. अपना हृदय यीशु को दें। Let your life turn around. आपका जीवन पूर्ण तौर पर बदलने पाए। Start reading the Bible from the book of John. आप शुरू करें बाइबल को पढ़ने के लिए यूहन्ना से। And you will see your depression flee from. और आप देखेंगे आपके निरुत्साहना आपसे दूर होते हैं। Jesus walks into your life. और जिस प्रकार यीशु आपके जीवन में आता है। And as you learn to hear his voice from the word. और जैसे आप सीखेंगे उसके वचन से आप सुनेंगे। And as you know how much he loves you. और आप जानेंगे कि कितना वो आपसे प्रेम करता है। You will never be depressed even for one more moment. कभी भी एक क्षण के लिए भी आप निरुत्साहने में नहीं आएंगे। आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you so much for Jesus. पिता हम धन्यवाद देते हैं बहुत उस यीशु के लिए। Everyone who is listening to this broadcast. हम प्रार्थना करते हैं जो कोई इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। Receive Jesus as their Lord and Savior. वो ग्रहण करने पाए यीशु को उद्धार करता के तौर पर। Lord, as they read the word. जिस प्रकार उस वचन को वो पढ़ेंगे। You will speak to them. आप उनसे बातें करें। Every spirit of depression. हर एक जो आत्मा है निरुत्साहना की। We bind you in the name of Jesus. यीशु के नाम में हम बांधते हैं। We break your power.
over the listeners in Jesus' name. जो सुनने वालों के ऊपर के हर एक ताकत को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम. Spirit of barrenness. और जो बांझपन की अवस्था को तोड़ते हैं. We command you to leave the body of Christ in the name of Jesus. मसीह के देह से वो आत्मा पूर्ण तौर पर निकल जाने पाए. You are the one who's closed the womb of the women. और आपने ही उन स्त्रियों के कोख को बंद किया है. We command you to leave them in Jesus. हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में दूर होने पर. Remind you they are redeemed from the hand of the enemy. हम याद दिलाते हैं कि वो दुश्मनों के हाथ से सदा के लिए छुड़ाए गए हैं. Remind you they are purchased by the blood of Jesus and they don't belong to you. और याद दिलाते हैं कि वो यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, वो आगे से आपके नहीं हैं. Bible says we are overcomers. और बाइबल कहती है हम जयवंत हैं. The blood of the lamb and the word of their testimony. मेमने के लहू के द्वारा और उन गवाहियों के द्वारा. We just want to testify to what the blood is doing now. और हम याद दिलाना चाहते हैं गवाहियों के द्वारा क्या तेरे लहू काम करता है. The blood is working on their uterus, on their tubes and on their wombs right now. और याद दिलाते हैं उनके खोखों में, उनके बाजों में इस प्रकार परमेश्वर का लहू कार्य कर रहा है. And we pray that there will be a seed born to them who are barren in Jesus' name. हम प्रार्थना करते हैं उनके अंदर में एक बीज उगने पाए जो बांझ के अवस्थे में है यीशु के नाम में. We pray for those who are unmarried. और हम प्रार्थना करते हैं जिनका विवाह नहीं हुआ. Want to get married. और जो विवाह करना चाहते हैं प्रभु. Pray, Father, you will bring the right mate for them. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु एक सही साथी को उनके लिए तैयार कर प्रभु. Start rejoicing in your word. और तेरे वचन में वो आनंदित होने पाए प्रभु. Miracles will happen. हम प्रार्थना करते हैं अद्भुत होने पाए. Jobs will come forth. और नौकरियां शुरुआत होने पाए उनके जीवन में. और कर्ज दूर होने पाए. Father, every wrong situation will turn around because Jesus said, "I've come to give you life and life more abundant." पिता हर एक बुरी अवस्था पूर्ण तौर पर बदलने पाए और उस जीवन को प्राप्त होने पाए जो समृद्धि का जीवन. Receive it from the hand of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के हाथ से स्वीकार करें उसे. Amen. 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 Expect miracles from the Lord. प्रभु से उस अद्भुत की आशा करें. Continue to read the word. सदा परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें. Enjoy the Lord in your life. और प्रभु को अपने जीवन में आनंदित करें. God bless you till we meet again. परमेश्वर आशीष दे जब तक हम फिर से ना मिलें. Rejoice, rejoice, Christ is in you, the hope of glory in our hearts. He lives, His breath is in you. Arise, a mighty army. We arise.